हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड राखी आज आप लोगों के साथ मेरी वाली पालक चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज संडे है तो हर किसी को नॉनवेज खाने की इच्छा होती है और मार्केट में बहुत सारी हरी हरी सब्जियाँ हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों को मिलाकर कुछ अच्छा बनाया जाए। फ्रेंड्स, पालक चिकन की रेसिपी मैंने सबसे पहले मेरे बड़े भैया से सीखी थी, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलें फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर और काली मिर्च आधा चम्मच, चिकन मसाला डेढ़ चम्मच, धनिया पाउडर डेढ़ चम्मच, जीरा पाउडर डेढ़ चम्मच, लाल मिर्च पाउडर दो चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च डेढ़ चम्मच, नमक स्वादानुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट दो टेबलस्पून, नींबू का रस एक टेबलस्पून, दही तीन टेबलस्पून, प्याज तीन बड़े साइज के, फ्रेंड्स मैंने लंबे लंबे लेकिन बारीक बारीक काट लिए हैं, दो तेजपत्ता, पालक आधा किलो लिए हैं। फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल ताजे हैं, जिसे मैंने अच्छे से धोकर रख लिए हैं, तीन बार धोए हैं। फ्रेंड्स चिकन लिया है 700 ग्राम। अब इसमें मैं सारे मसाले कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला छोड़कर बाकी सारी चीजें डाल दे रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स इसको मैरिनेट करके आधे एक घंटे के लिए एक साइड रख दूंगी। पालक को मैंने अच्छे से धोकर बारीक बारीक काट लिए हैं। अब चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 4 टेबलस्पून सरसों तेल लिया है। फ्रेंड्स आप कोई भी तेल ले सकते हैं, जिसमें आप बनाते हैं आप उसमें बना लें। उस तेल गर्म हो चुका है, उसमें मैंने तेज पत्ता फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं प्याज डालकर अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें, और मेरे वीडियोस पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से फ्राई होने तक भूनना है। देखिए बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, डार्क ब्राउन हो गया। फ्रेंड अब इसमें मैंने मैरिनेट किए हुए चिकन डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से पकाना है। 1.5 कप पानी भी डाल दे रही हूँ मैं इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करके ढक ढक कर 10 मिनट पकाएंगे। फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। अब इसको ढक दूंगी, 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। पांच छह मिनट हुए हैं। फ्रेंड्स मैं एक बार चेक कर रही हूँ इसको, बीच बीच में चेक करते रहें। देखिए पक रहा है ये। अब इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च मिला दे रही हूँ। इसको फिर एक बार अच्छे से मिक्स करके फिर से ढक्कन लगाकर रख दूंगी। और 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए अच्छी तरह से सूख चुका है अपना पानी, चिकन भी लगभग पक चुका है। तो अब इसमें मैं पालक मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स आप लोग मसाला नमक अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें पालक डालकर ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, पालक पिघल जाएगा। देखिए अच्छी तरह से पिघल चुका है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और पकाएंगे।
चिकन के पीसेस काफी छोटे छोटे कटे हुए थे फ्रेंड्स, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता बनने के लिए। देखिए अभी कुछ 7-8 मिनट हुए हैं, चिकन अपना तैयार है बिल्कुल। तो मैं इसमें गरम मसाला मिला दे रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स करके। फ्रेंड्स ग्रेवी लगभग पूरी सूख चुकी है, तो मैं थोड़ा और इसमें पानी मिक्स करूंगी। 1 कप गरम पानी मिला रही हूँ। आपको अगर चावल के साथ खाना है तो और ज्यादा पानी मिला लें। चिकन रेडी है फ्रेंड्स खाने के लिए, तो आप लोग भी इसे बनाएं, बहुत अच्छी लगती है। हमें रोटी के साथ खाना है इसलिए मैंने गाढ़ी गाढ़ी रखी है। रेडी है फ्रेंड्स, आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, सभी को पसंद आएगी। बिल्कुल पता भी नहीं चलती कि इसमें पालक डाला है। आप चाहे तो पालक की जगह मेथी भी डाल सकते हैं, वो भी ऐसी ही बनेगी फ्रेंड्स। तो बने रहे मेरे साथ मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।